राम मिले हैं सीता जैसी पावनता को, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम नहीं मिलते झूठे वादों के ढेरों में, क्योंकि राम मिलते हैं शबरी के मीठे बेरों में। जितने भी लोग ये देख रहे हैं कि आप अगर चाहते हैं सबका कल्याण तो ढोंगी नफरतवादी पाखंडियों को ना करें दान और मतदान, तभी होगा सबका कल्याण। तो ढोंगी और पाखंडियों को दान और मतदान करने से बच जाइए और सबके कल्याण का रास्ता इख्तियार रख लीजिए, क्योंकि हमें और किसी से बैर नहीं मगर पाखंडियों की तो खैर नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और मेरे साथ में है मध्य प्रदेश से आई कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है साधना भारती जी। आइए आपका परिचय लेते हैं, फिर बहुत सी बात करें। सबसे पहले तो ये कि आई जरूर हूँ मध्य प्रदेश से, बेटी एटा की हूँ और मतलब मेरे पिता राजेश राजपूत जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि एटा रही और 2004 में लोकसभा का टिकट भी मिला कांग्रेस पार्टी से, उन्हें किसी कारणवश चुनाव नहीं लड़े और विड्रॉ हुआ, ये पूरा जिला जानता है एटा जिला और देश भर को मालूम है। बहरहाल वैसे मैंने 2.5 वर्ष की उम्र से बोलना प्रारंभ किया, आध्यात्मिक प्रवचन और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ पीताम्बर वस्त्र धारण करने का एक दृढ़ संकल्प और सकारात्मक सोच के साथ सम्मानीय संतों और सज्जन व्यक्तित्वों के सानिध्य में मैंने सनातन के सर्वोच्च संस्कार वसुधैव कुटुम्बकम की मूल धारणा का सदैव शंखनाद किया और वसुधैव कुटुम्बकम की मूल धारणा और मूल साधना में साधना भारती का अटूट विश्वास और संपूर्ण आस्था है। बताया कि आप एटा की मूल में रहने वाली हैं जी, और जैसा कि मुझे पता चला है कि आप उमा भारती जी और बाबूजी कल्याण सिंह जो हिंदू हृदय सम्राट के नाम से पहचाना जाता है उनकी गोदी में खेल कर बड़ी हुई और आपको राजनीति का चस्का लगा, कहाँ तक सच है ये? देखिए, गोदी में खेलने से चस्का नहीं लगा राजनीति में आने का, लेकिन ये कि हाँ मैं उनकी गोद में खेली हूँ और ये सौभाग्य मुझे मिला कि माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी, जिन्हें मैं लोधी समाज के कर्म योद्धा कहती हूँ और वो वास्तव में कर्म योद्धा है और रहे, और 5 साल की उम्र की थी लगभग जितना मुझे याद है, कासगंज के 12 पत्थर मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया उन्होंने और मुझे प्रमुख वक्ता के तौर पर मुझे वहां बुलाया था और उसके बाद मुझे सरकारी पुरस्कार से उन्होंने सम्मानित भी किया मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री आवास में, और एक पीताम्बर वस्त्र मुझे भेंट किया था, एक दुपट्टा जिसे मैंने आज भी संभाल कर रखा हुआ है, संजो के रखा है, और जब वो गए इस दुनिया से उससे पूर्व भी मेरी लगातार उनसे बातचीत होती थी। समय समय पर हम लोग राजनीतिक पार्टियां जरूर हमारी अलग रही लेकिन सामाजिक तौर पे हमारी चर्चाएं होती थी और सामाजिक कार्यक्रमों में भी मंच हमने साझा किए, परम आदरणीय उमा भारती जी हों, माननीय कल्याण सिंह जी हों या कोई भी लीडर हमारे समाज के रहे। मैंने पीले वस्त्र धारण करने का संकल्प 2.5 वर्ष की उम्र में लिया था, जब मैं 2.5 साल की थी, सिंस द एज ऑफ 2.5 ईयर्स। तो जब मैं खुद 2.5 वर्ष की थी तब मैंने ये संकल्प लिया, तो कोई युवा अवस्था में संकल्प नहीं लिया। नहीं, दूसरी 2.5 वर्ष की उम्र में तो परिवार वालों ने थोप दिया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। देखिए, मैंने अध्यात्म सबसे प्रथम मेरा गायत्री मंत्र से प्रारंभ हुआ। 3.5 साल की उम्र में दिल्ली के इंडियन वुमेन प्रेस क्लब में मेरी पहली प्रेस वार्ता हुई और उसमें मैंने जब ये देखा कि समाज में चाहे वो दहेज प्रथा हो, भ्रूण हत्या हो, क्योंकि मैं खुद बेटी रही घर की और मैं एक पीढ़ी के बाद की बेटी हूँ, मेरे पिताजी की कोई सगी बहन नहीं है, 6 भाई हैं मेरे पिताजी, लेकिन उनकी कोई बहन नहीं रही, तो मुझे ये घर में ये महसूस हुआ हमेशा, उन्होंने बेटी हूँ उसके बावजूद मुझे आगे बढ़ाया, जबकि सामाजिक धारणाएं होती है बेटी है कल को चली जाएगी शादी करके क्यों आगे, लेकिन मेरे पिताजी ने कभी महिमा मंडन नहीं किया, मेरी उस प्रतिभा का सम्मान करके आगे बढ़ाने का काम किया और ये मेरे स्वयं का निर्णय था। पीताम्बर, मैंने कोई संन्यास थोड़ी ना लिया, मैं साध्वी नहीं हूँ, मैंने पीताम्बर वस्त्र धारण करके धर्म निरपेक्षता को आगे बढ़ाने, मानवता के ऊपर अपने विचार रखने का एक संकल्प लिया। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी हिंदुओं की हितैषी कौन होगी, और आप बात कर रही हैं कांग्रेस की प्रवक्ता की, तो कुछ समझ में नहीं आ रही, आखिर आपकी जो राजनीति की लालसा कहें या कांग्रेस के प्रति प्रेम कहें, उस वो रातों रात प्रेम कैसे उमड़ पड़ा, कांग्रेस में ही क्यों, समाजवादी में क्यों नहीं? देखिए, रातों रात का प्रेम नहीं, मैं 2.5 वर्ष की उम्र में बोलना प्रारंभ किया और उसके बाद मैंने आप ये लगा लीजिए 2003 में मैं कांग्रेस में आई, सोनिया जी से 1 घंटा मेरी मुलाकात हुई, बकायदा चर्चा हुई और उनके विचारों से बेहद प्रभावित हुई, उनके स्वभाव से भी प्रभावित हुई और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है उससे बेहद प्रभावित हुई। आप कहते हैं हिंदू हितैषी की बात, तो ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात कहना जरूरी हो जाता है। देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा हिंदू हितैषी पार्टी नहीं है, सिर्फ हिंदुओं का हित करने का ढोंग भारतीय जनता पार्टी ने सदैव किया और इस बात का प्रमाण इस बात से मिलता है कि अगर भाजपा हिंदू हितैषी होती तो संजय निषाद जी, जिन्होंने ये कहा कि भगवान राम जी दशरथ जी के पुत्र नहीं है,
ऐसा कहकर माता कौशल्या के सत्यत्व पर प्रश्न उठाया, तो उन संजय निषाद जी को क्यों नहीं पार्टी से भगाने का काम किया भाजपा ने? मैं सरेआम कई नेशनल टेलीविजन पर पूछ चुकी हूँ भाजपा के बड़े बड़े प्रवक्ताओं से, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अगर भाजपा हिंदू हितैषी है तो क्यों मध्य प्रदेश के अंदर एक डाली दमाहे नाम के लोधी व्यक्ति को हिंदू धर्म के विश्व हिंदू परिषद के उन गौ तस्कर गुंडों ने मार डाला, क्योंकि वो उनकी गौ तस्करी के बीच में आ रहे थे। मायाराम लोधी यूपी की घटना है। मायाराम लोधी को उनकी मायाराम लोधी की बहू को बीडीसी बनी, भाजपा के गुंडे 2 बजे वोट मांगने पहुंचते हैं, जबरन ले जाने का प्रयास करते हैं। जब मायाराम लोधी उसका अपोज करते हैं, खिलाफत करते हैं, तो उन्हें पीट पीट कर जान से मार दिया जाता है। क्यों कोई कार्यवाही नहीं की गई? इतने हिंदू हितैषी हैं तो क्यों राम की तुलना, भगवान राम की तुलना रम से करने वाले, माता सीता की तुलना और जानकी की तुलना जिन से करने वाले, विष्णु भगवान की तुलना विस्की से करने वाले नरेश अग्रवाल को क्यों राज्यसभा पहुंचा दिया भाजपा ने? क्यों राज्यसभा की कुर्सी दे दी? और राम मंदिर जब बना तो उसकी जमीन में इतना बड़ा घोटाला कैसे सामने आया? कैसे चंदा चंपत कर चंपत हो गए? तो वो बताया जाए, उसका ब्यौरा दिया जाए। क्यों वहां दलितों की जमीन हड़पने की बात की गई? क्यों वहां पर FIR दर्ज हुई? तो मैं तो हमेशा कहती हूं कि राम नहीं मिलते ईटा और गारा में, राम मिले निर्धन की अर्शु धारा में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद वाले पांव में, राम मिलेंगे पंचवटी की छाओं में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में, राम मिले हैं वचनबद्ध वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले हैं अनुसैया की मानवता को, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता को, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम नहीं मिलते झूठे वादों के ढेरों में, क्योंकि राम मिलते हैं शबरी के मीठे बेरों में। हिंदुत्व को बचाने की, अब कुछ लोग कांग्रेस में भी आ चुके हैं, तो मैडम बात चल रही है, आपने बड़ा अच्छा तर्क दिया, विकल्प किया कि हिंदुत्व रखने का भाजपा पे ही नहीं बल्कि सभी लोग देश को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। हम बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा। राहुल जी लगातार कन्याकुमारी से कश्मीर बस कुछ ही दिनों में पहुंच जाएंगे, आपको क्या लगता है इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का ग्राफ बड़ा है तो कितना बड़ा है, कहां तक 2024 में आपको सफलता मिलेगी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता किसी से छिपी नहीं, लगातार राहुल गांधी जी हमारे नेता आगे बढ़ रहे हैं और पूरा जन सैलाब उनके पीछे है ये यात्रा। और इसका राजनीतिक ध्येय नहीं है, सबसे पहली बात इसका ध्येय साथ ही साथ एक सीधा सदे है, इसका ध्येय इसका मकसद है जो नफरतवादी राजनीति पनप रही है उसको खत्म करना। जिस भारत को तोड़ने का प्रयास कभी अली बजरंग बली, कब्रिस्तान, शमशान और किताब और हिजाब के नाम पर किया जाता है, 80-20 कहकर किया जाता है, उस नफरतवादी सोच के खिलाफ ये यात्रा निकल रही है। बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ ये यात्रा निकल रही है, किसानों और मजदूरों के कल्याण के लिए यात्रा निकल रही है। और मुझे लगता है कि हर नौजवान, हर किसान, हर मजदूर, महिलाओं का तबका लगातार उस यात्रा से जुड़ा, यही नहीं छोटे छोटे बच्चे इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। आपने सुना होगा एक बच्चा अपनी गुल्लक लेकर राहुल गांधी जी को तोहफे में देने के लिए गया कि आपको शायद पैसे की जरूरत पड़ जाएगी तो कुछ पैसे मैंने बचा कर रखे हैं। तो ये भावना है आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए, और ये भावना गांधीवादी भावना है, और गांधीवादी भावना ही इस देश का उद्धार कर सकती है, क्योंकि गॉडसेवादी विचारधारा केवल हिंसा के रास्ते पे ले जा सकती है, तोड़ने के रास्ते पे ले जा सकती है, और वही रास्ता भाजपा इख्तियार करती है। दूसरी बात, एक मैं एक पॉइंट जरूर ऐड करना चाहूंगी, जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो हिंदुत्व में श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, उपासना है, प्रार्थना है और साधना है, आराधना है, किंतु अंधविश्वास और पाखंड और ढोंग की जगह सनातन धर्म में कतई नहीं है। लेकिन आज जो एक कथावाचक के द्वारा जो बागेश्वर धाम के हैं, वो कह लीजिए आप, मैं उनको कहूंगी कि एक अहंकारी कथावाचक, जो बड़बोले हैं, जो जिन्होंने एक हिंदू लोधी व्यक्ति के DNA पर प्रश्न उठा दिया था, जो एक DNA पर किसी के प्रश्न उठा के एक माता के सतीत्व पर संदेह जताने वाले, हजारों की भीड़ में महिलाओं की चूड़ियों को कायरता का आभूषण बताने वाले, किसी की ठठरी बनाने का, किसी को मसलने और कुचलने का कुवचन कहने वाले, ऐसे व्यक्ति व्यासपीठ का अपमान करने वाले, ऐसे व्यक्ति अहंकारी ढोंगी पाखंडी का महिमा मंडन करना किसी राजनीतिक या सामाजिक संगठन के नेता कार्यकर्ता को शोभा नहीं देता। आपकी भी जिम्मेदारी है, आप मीडिया का हिस्सा है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि अंधविश्वास और पाखंडियों से, ढोंगियों से, अंधविश्वास से पर्दा उठाए, और सही जो धूर्त धंधा का एक जाल बना रखा है, इस जाल को खत्म करके सामने की एक तस्वीर साफ करके दिखाए। जिस तस्वीर को एक सनातन की हिंदू जो बेटी है सुहानी शाह, जो कि एक कुशल कलाकार है, उसने नेशनल न्यूज चैनलों के माध्यम से करके दिखाया। सुहानी शाह ने कहीं ना कहीं
बागेश्वर धाम के तथाकथित चमत्कार का आईना, सच का आईना उनके सामने रखा है और पाखंडियों से सावधान होने का कदम भी उठाया है। और मुझे लगता है कि सुहानी शाह को शायद किसी पाखंडी ढोंगी से कहीं खतरा ना हो, इसके लिए मोदी सरकार द्वारा उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए। और मोदी सरकार और मामा सरकार को अंधविश्वास, ढोंग और पाखंड के खिलाफ एक सख्त कानून लेकर आना चाहिए। यही मेरी मांग है। और मैं तो एक गुजारिश करूंगी आपके माध्यम से, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, कि आप अगर चाहते हैं सबका कल्याण, तो ढोंगी नफरतवादी पाखंडियों को ना करें दान और मतदान, तभी होगा सबका कल्याण। तो ढोंगी और पाखंडियों को दान और मतदान करने से बच जाइए और सबके कल्याण का रास्ता इख्तियार रख लीजिए, क्योंकि हमें और किसी से बैर नहीं, मगर पाखंडियों की तो खैर नहीं। अब तो काफी अच्छी बात कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है सबको आपकी बात अच्छी नहीं लग रही होगी। जो भी श्रोता दर्शक सुन रहे हैं उनको काफी नागवार मुझे लग रही है। मुझे लगता है जो गांधीवादी है, जो भारत की एकता और अखंडता में भरोसा रखते हैं, जो देश में भाईचारे को मजबूत बनाना चाहते हैं, उनको मेरी बातें अच्छी लग रही होंगी। और मुझे लगता है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को लूटतंत्र के लुटेरों से बचाने के लिए संख्या बल के अनुपात में बराबर की हिस्सेदारी सब जगह पर सभी को मिले, इसके लिए जातिगत जनगणना सरकार को करानी चाहिए। ये बात अब किसी को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन ये मेरी मांग है। और कांग्रेस पार्टी भी इस बात पर भरोसा रखती है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और भाईचारे को जो मजबूत रखना चाहते हैं, उन सबको मेरी बातें अच्छी लग रही होंगी। हाँ, पाखंड और ढोंग में भरोसा रखने वाले को हो सकता है ना लगे। नहीं, कांग्रेस ने भी जाति जनगणना नहीं कराई थी, पशुओं की तो जनगणना करा ली थी, लेकिन जातियों की जनगणना नहीं कराई। देखिए, मैं अभी आप जब सत्ता से दूर हैं तो आपको जाति जनगणना की याद आ रही है। ये देखिए, ये बात मैं जरूर कहूंगी आपसे, क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं ये आप बिल्कुल समझिएगा इस बात को, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपके ज्ञान में कुछ कमी है, लेकिन 2011 में कांग्रेस पार्टी ने जातिगत जनगणना कराई थी, उसका जब रिजल्ट आया तब इनकी सरकार आ चुकी थी। वो आंकड़े कहाँ गए, ये पेश क्यों नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के लोग? जो ओबीसी को जो अधिकार मिलने चाहिए, जो बहुसंख्यक पिछड़ा वर्ग है, आज उसको अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है? तो उसको अधिकार दिलाने के लिए, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ हमें हमारे संख्या के अनुपात में हमें हिस्सेदारी दे दो ना, उसमें गलत क्या है? तो अगर इसकी मांग अगर हम कर रहे हैं तो इसमें कोई गुरेज नहीं। और कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी रहा है कि जातिगत जनगणना के हम पक्ष में, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 2011 में हमने कराई, आंकड़े आपके शासन में आए, आप आंकड़े बताइए कि कहाँ है, कितने आंकड़े हैं, वो समक्ष में रख दीजिए। लोगों का कहना, ये काफी अच्छी वक्ता है और बहुत ही शानदार बोल रही है, लोगों का कहना है कि जो राहुल जी के साथ जो भीड़ है, वह भीड़ है वो मत में कन्वर्ट नहीं होगी। देखिए, ये तो समय बताएगा। दूसरी बात ये कि जिस तरह से जेपी नड्डा जी, कौन है आप जानते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहाँ के रहने वाले, हिमाचल प्रदेश के, क्यों नहीं बचा पाए भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सरकार? और नहीं बचा पाए तो नैतिकता के आधार पे इस्तीफा क्यों नहीं दिया? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा आपका ज्ञान वर्धन कर देता हूं।